बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हम 8th क्लास की 1.6 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने 1.5 एक्सरसाइज वाली वीडियोस देखी हुई हैं, यानी वो वीडियो देखी है, वो सारे क्वेश्चन समझे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई आसान होंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहा यह गया है कि फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें जो पहले एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है 1.5, उसमें जो नंबर्स थे वो फ्रैक्शंस में नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब फ्रैक्शंस में दे दिए गए हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ओवर में दे दिए गए हैं। अगर इसको आसान लोकल लैंग्वेज में मैं कहूं अपनी में, तो बटे में लिखे हुए सवाल होते हैं, यानी कसूर कसर में लिखे गए सवालात होते हैं ये। इसको हल कैसे करना है, इंतहाई आसान तरीका इसका। सबसे पहला सवाल हम पहले ले लेते हैं इसमें से, यानी पहला पार्ट वो है 49/64, क्योंकि हमने इसका स्क्वेयर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वेयर रूट राइट कर देते हैं। ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 49/64, इस तरीके से, ठीक है जी। अब 49 का स्क्वेयर रूट हमने अलग से फाइंड कर लेना है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो स्क्वेयर रूट होता है अगर वो फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज के ऊपर हो तो उसको हम अलग अलग भी राइट कर सकते हैं, यानी स्क्वेयर रूट ऑफ 49 एंड स्क्वेयर रूट ऑफ 64, इस तरीके से। अब अगर आप देखें तो ये एक्सरसाइज 1.5 वाले ही क्वेश्चन बन गए हैं, ये ऊपर अलग से और नीचे अलग से स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू होगी। इसमें हमने दोनों का स्क्वेयर रूट फाइंड कर लेना, यानी दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है और इधर राइट कर देना है इनको, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अब यहाँ पे देखें 49 प्राइम फैक्टराइजेशन पहले फाइंड कर लेते हैं, तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्टली 7 पे ही होगा। 7 पे करेंगे जब डिवाइड, तो 7 7s are 49 होगा। 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए यही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अगर हम 64 की बात करें, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आप अगर टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना कि 64 को ना बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसे लिख देते हैं 8 8s are 64। ये स्क्वेयर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है मेरा बेटा। ये उसकी वजह यह है कि 8 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने जस्ट प्राइम नंबर्स ही फैक्टर में राइट करने हैं, तो इसलिए हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। 2 3s are 6, 2 2s are 4, फिर 2 पे 2 16, फिर 2 पे 2 8s are 16, फिर 2 पे 2 4s are 8, और फिर 2 आ जाएगा 2 2s are 4। अब ये हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे इसकी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको राइट करेंगे। 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी, 7 multiply by 7, इसका स्क्वेयर रूट राइट कर देना हमने यहाँ पे। इसी तरह ओवर में, यानी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 times 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ऐसे जो है वो हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है 64 की। यहाँ हम इसको पेयर की फॉर्म में राइट करेंगे, यानी ये 7 multiply 7, इसको हम लिखेंगे 7 square, ठीक है, इसका स्क्वेयर रूट राइट कर दिया यहाँ पे। इसी तरह डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, ये 2 के जितने पेयर्स बनेंगे उसको पेयर फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये 2 square हो गया, ये 2 square हो गया, और ये 2 square हो गया, क्योंकि 6 times 2 था, तो इसलिए हमने 2 square 2 square और 2 square राइट कर दिया यहाँ पे। ये इसका स्क्वेयर रूट आ गया इसके ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा। अब न्यूमिनेटर में ये 7 का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल कर दें, या इकट्ठे एक ही दफ़ा कीजिएगा, जब सारे के सारे स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट्स अलग अलग हो जाएंगे। ये 7 square और स्क्वेयर रूट आ गया ये। इसी तरह डिनोमिनेटर में अब इनको अलग अलग कर देते हैं हम, ये 2 square square root multiply 2 square square root multiply 2 square square root, ठीक है जी। और
अब ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये देखें ठीक है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 7/2 multiply by 2 multiply by 2। तो ये लिखेंगे हम इसको 7/2 2 2 4 4 2 8, ठीक है। यही हमारे पास इस वाले पार्ट का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमिरेटर हमारे पास छोटी वैल्यू है इसलिए डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही हमारे पास इस वाले पार्ट का फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही हमने बाकी सारे के सारे पार्ट सॉल्व करने हैं कि पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है अगर वो कंपाउंड फ्रैक्शन में होगा तो, फिर उसके बाद ऐसे ही हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके यही स्टेप्स रिपीट करने हैं जो हमने इस वाले पार्ट में रिपीट किए। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं अभी हम, जो कि है 121/625, ठीक है जी। इसमें लिखते हैं पहले स्टेप में इसको स्केयर रूट फॉर्म में, जो आ जाएगा 121/625 होल स्क्वायर रूट। इसको हम सेपरेटली भी राइट कर सकते हैं, यानी 121/625, यानी स्केयर रूट ऑफ 625। अब 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं पहले। 121 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना, वो जस्ट होता है 11 multiply by 11, 11 11s are 125 होता है, तो यही इसका फैक्टर होगा। इसके बाद 625 की अगर हम बात करें, तो इसके लिए ये डिवाइड होगा 5 पे, ठीक है। 5 से छोटे किसी नंबर पे नहीं होगा। 5 1s are 5, 1 इधर, 5 2s are 10, 2 इधर, 5 5s are 25, फिर ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 2s are 10, 5 5s are 25, फिर 5 पे होगा ये, 5 5s are 25। यही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे इन प्राइम फैक्टर्स को हम राइट कर देते हैं। किस तरीके से राइट करेंगे, 121 को लिखेंगे 11 multiply by 11। मैं थोड़ा सा इसको अब शॉर्ट करता जाऊंगा क्वेश्चन को, ताकि मेरा वक्त बच जाए और शॉर्ट वीडियो में आपको बात सारी क्लियर हो जाए, ज़्यादा क्वेश्चन समझाए जा सके। 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, अब इसको पेयर फॉर्म में राइट करूंगा और अलग अलग ही स्क्वेयर रूट्स राइट करूंगा, जो कि एक स्टेप कम हो जाएगा। यह हो जाएगा 11 square square root, ये तो पहले अकलौता है। इसके नीचे देखें, यह आ जाएगा 5 square square root, अलग कर दिया मैंने इसका, ठीक है जी। मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 5 square और स्क्वेयर रूट इसका भी अलग हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, यह आ जाएगा हमारे पास 11 upon 5 5s are 25 हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। जो स्टेप्स मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ वो आप कोशिश करें कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें उसको आप वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है 196/441। इसको यहाँ पे राइट करेंगे हम 196/441, सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा ये हमारे पास। फिर लिखेंगे इसको 196 का स्क्वायर रूट अलग से और 441 अलग से आ जाएगा ये, ठीक है जी। अब देखें इसको, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं पहले। 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 9s are 18, 2 8s are 16, फिर 2 पे करेंगे डिवाइड इसको, 2 4s are 8, 2 9s are 18, फिर ये होगा 7 पे, 7 7s are 49। यही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इतने बनेंगे। नेक्स्ट अब हम 441 की बात कर लेते हैं। 441 के प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले देखें, ये डिवाइड किस पे होगा, 2 पे तो नहीं होगा, 3 पे चेक कर लेते हैं। 4 और 4 8 1 9, 9 नंबर आता है ना इसका ऐड करने से डिजिट्स को, तो 9 क्योंकि 3 पे डिवाइड होता है इसलिए ये वैल्यू भी 3 पे डिवाइड हो जाएगी। 3 1s are 3, 1 इधर, ये 14 हो गया। 3 4s are 12, 3 7s are 21, ठीक है, ये फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 4s are 12, 3 9s are 27, फिर ये आ जाएगा 7 पे, 7 7s are 49। अब देखें, ये हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, इनको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 196 को लिखेंगे हम 2 multiply by 2 multiply by 7 multiply by 7, ये सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। ओवर में राइट करेंगे हम 3 multiply by 3 multiply by 7 multiply by 7,
ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको राइट करेंगे टू स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई सेवन स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा ये। फिर इसी तरह लिखेंगे ओवर में थ्री स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय सेवन स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा हमारे पास टू मल्टीप्लाई बाय सेवन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन, ठीक है जी। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बहुत इजी है ये। देखिए ये सेवन को हम सेवन से कट कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसलिए यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो बाकी रह जाएगा हमारे पास टू अपॉन थ्री, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। या इसका बेहतर तरीका ये है कि हम इसको लिखे सेवन टू ज़ार फोर्टीन, फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी वन, फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी वन लिखना इसलिए बेहतर होगा इसकी निस्बत, हालांकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये, ठीक है। फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी वन लिखना इसलिए बेहतर है, मैं ये बता रहा था आपको कि देखें बेटे जब हम 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो न्यूमिरेटर वाली वैल्यू बननी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही ये होता है कि जब हम उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो ओरिजिनल नंबर हमारे पास बनना चाहिए, लेकिन जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 बनेगा, जैसे मैंने इधर यहाँ पर लिखा ना सिंप्लीफाई करके। हाँ, अगर हमें लिखा कहा जाता कि राइट योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर हम ये वाला स्टेप कर सकते थे। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला कैंसिल कर देते हैं हम इसको यहाँ से, इसी को आप फाइनल आंसर समझेंगे अपना 14 अपॉन 21, ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को अभी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है वन होल नंबर 13 अपॉन 36। अब इसमें इसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें इसको पहले चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसका तरीका ये होता है कि जो हमारे पास यहाँ नीचे वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना होता है इस वैल्यू से, जो आंसर आएगा उसमें हमने इसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो 36 वन्स आर 36, और 36 में जब हम 13 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 639314, यानी 49 अपॉन 36 बन गया। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा कि इसका, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते आए हैं। ये बन जाएगा 49 अपॉन 36, इसका आ जाएगा ये स्क्वायर रूट। ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर रूट लिखेंगे, 49 का स्क्वायर रूट अलग से और 36 का अलग से। अब ये प्राइम फैक्टर फाइंड करके वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने पहले किए हैं। मुझे उम्मीद है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका 7 अपॉन 6 आंसर आ जाएगा। और फिर जो 7 अपॉन 6 होगा, ये यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ कि ये 7 अपॉन 6 आएगा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि अब 7 बड़ा है इसलिए हम इसको डिवाइड करके आंसर राइट करेंगे, ठीक है। 7 अपॉन 6 इस तरह, 6 वन आर 6, तो रिमाइंडर 1 आया, 1 होल नंबर 1 अपॉन 6, ये फाइनल आंसर होगा हमारे पास इस वाले पार्ट का, ठीक है। जो मैंने छोड़ा हिस्सा वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी है और अब जितनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपकी तो आप खुद से कर सकते हैं ये वाला पार्ट। ये जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तरीका ये होगा कि 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा वर्क में हमने करना है। मैं यहीं पे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 12, ये एक्स्ट्रा वर्क होगा ये। तो 5 टूज आर 10, अगर 12 का टेबल आता है तो फिर और भी आसान हो जाएगा, जो कि आना चाहिए आपको इस क्लास में। 12 फाइव्स आर 66 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, 12 टूज आर 24, 24 सिक्स 30, यानी ये 300 आ गया। 300 में 24 प्लस करने हैं तो 324 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 324 अपॉन 25, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको अब हम लिखेंगे 324 अपॉन 25 होल स्क्वायर रूट, ठीक है जी। और ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 324 का स्क्वायर रूट अपॉन 25 का स्क्वायर रूट। अब 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 324, इसको करेंगे 2 पे डिवाइड, 2 वन्स आर 2, 1 कैरी, 2 सिक्स आर 12, 2 टूज आर 4, फिर 2 पे 2 एट्स आर 16, 2 वन्स आर 2, फिर 3 पे यह रहेगा 27, 3 नाइन्स आर 27, फिर आ जाएगा यहाँ पे
25 की अगर बात करें तो 5 5 25 होगा, वो यहाँ फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि है ही बहुत इजी। वो यहाँ पे राइट कर देते हैं अब इनको, 324 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 यानी 4 × 3 है और 2 × 2 है। बस ये ध्यान रखना है आपने, इसकी तादाद कम नहीं होनी चाहिए वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा सारा आपका। अच्छा, इसके ओवर में आ जाएगा 5 × 5। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे 2² √, फिर आ जाएगा 3² √, फिर आ जाएगा ये 3² √, ऐसे। और ओवर में लिखेंगे हम 5² √। अच्छा जी, देखिए अब ये स्केयर रूट्स कट जाएंगे सारे, बाकी रह जाएगा हमारे पास 2 × 3 × 3। ओवर में आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा 2 × 3 = 6 × 6 = 18 18 / 5। अब क्योंकि न्यूमिरेटर बड़ा है ये, ठीक है, तो इसलिए हमने करना ये है डिवाइड, 18 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 × 3 = 15 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 3। तो आंसर आ जाएगा इसका 3 whole number 3/5, ठीक है, इसको हम आंसर लिखेंगे। और ये क्लॉकवाइज लिखते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं ये, जब हमने इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखना होता है, यानी ये पहले लिखना होता है क्यू, क्वोशेंट, रिमाइंडर और फिर डिवाइजर, ठीक है, ये डिविडेंड नहीं है, डिवाइजर है ये, डी आर लिख देता हूँ मैं डिवाइजर के लिए। इस तरीके से ये कंपाउंड फ्रैक्शन में इसको राइट करते हैं। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे के सारे पार्ट्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं, जो नहीं मैंने समझाया होगा डेफिनेटली वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मेथड सभी का एक ही है, फिर भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहा यह गया है कि फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। इन फ्रैक्शंस के जो स्क्वेयर रूट्स हैं वो हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट पार्ट इसका राइट कर दिया मैंने, तो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ईजी है ये भी। 144 / 225, सारे का स्क्वेयर रूट यहाँ पे राइट कर दिया मैंने, यानी स्क्वेयर रूट में लिखा है इसको। फिर इसका मतलब ये है कि न्यूमिरेटर का स्क्वेयर रूट अलग से होगा और डिनोमिनेटर का स्क्वेयर रूट अलग से। अब डिवीजन मेथड से फाइंड करना है तो ये कर लेते हैं, बहुत इजी है। 144 की अगर हम बात करें तो पेयर बनाएंगे पहले राइट साइड से, राइट से लेफ्ट की जानी पेयर बनाते होते हैं जब भी हम डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं स्क्वेयर रूट। ये प्रीवियस एक्सरसाइज में डिटेल से सारे क्वेश्चन समझाए गए हैं, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पहले वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 1.5 का। अच्छा जी, अब ये 1 है, इसका मतलब यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी सेम नंबर हमने यहाँ लिखने होते, 1 1 ज़ा 1। रिमाइंडर 0 आया, 44 वैसे ही आ जाएगा नीचे, पेयर फॉर्म में नीचे लेके आते हैं नंबर्स को। 1 का डबल होता है 2, क्वोशेंट का डबल यहाँ लिखना होता है, 2 के साथ कौन सा नंबर लिखेंगे 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 44 आ जाएगा। ये ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है यानी 144 का स्क्वायर रूट वो आ चुका है 12, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें 225 की, अब वो 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं यहाँ पे, 225, इसके लिए फिर पेयर बनाएंगे पहले, ये 25 एक पेयर बन गया और 2 अलग से पेयर बन गया, यहाँ लिखेंगे 1 1 ज़ार 1, ठीक है, 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 25 नीचे आ गया, पेयर फॉर्म में नीचे लेके आएंगे। 1 का डबल क्या होता है 2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 5, अब यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ 125 कम्प्लीटली पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0, इसका मतलब कि 225 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 15, और इसी तरह 144 का पहले फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, 144 का स्क्वायर रूट है 12, यहाँ लिखा 12/25, तो 12/25 ही इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ऐसे ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे भी, जो कि है 169/256, यहाँ लिखेंगे इसको 169 अपॉन
256 सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ गया, और इसको फिर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नीचे लिख देता हूँ, अब जगह काफ़ी बच जाएगी हमारे पास, 169 स्क्वायर रूट अपॉन 256 स्क्वायर रूट। अब इनके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, पहले 169 का फाइंड करते हैं, ये एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, ये नीट वर्क ही होता है, ये दोनों और ये अकेला, 1 1s are 1, रिमाइंडर 0 आया, 69 नीचे ले आए हम, 1 का डबल क्या होता है 2, ठीक है। अब इधर लिखेंगे हम 3, यहाँ भी लिखेंगे 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, ये पूरा डिवाइड हो गया, ये 13 स्क्वायर रूट आ जाएगा 169 का। इसी तरह 256 का स्क्वायर रूट भी हमने फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 256 ये पेयर हो गया, ये सिंगल, 1 1s are 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, ये आ रहा है 56, यहाँ पे आ जाएगा 1 का डबल 2, और 6 लिख के देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 6s are 36, 3 कैरी, 6 2s are 12, 3 15, तो ये पूरा ही डिवाइड हो रहा है ये भी, ठीक है जी, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है ऐसे, 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा 13, और 256 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा 16, ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड वाला पार्ट है, आखिरी पार्ट भी है इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का, 5 होल नंबर 41/64, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कंपाउंड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, 64 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 64 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4s are 22 कैरी, 6 5s are 30, और 32 आ जाएगा, 41 को ऐड करेंगे फिर इसमें, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 361, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 361/64, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आ गया ये। अब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग से लिख लेंगे स्क्वायर रूट, 361 का अलग से लिखा, और इसी तरह 64 का अलग से स्क्वायर रूट राइट कर दिया। अब स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से, 361 की अगर हम बात करें, ये एक्स्ट्रा वर्क था इसलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ, 361 ये पेयर बना और ये सिंगल रहा, 1 1s are 1 रहा यहाँ पे, 3 में से 1 माइनस किया 2, ये 61 नीचे आ जाएगा, 1 का डबल होता है 2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ भी आ जाएगा 9 9 9s are 81, 8 कैरी, 9 2s are 18, और 8 26, तो ये 261 पूरा हो गया ये भी डिवाइड, यानी 19 स्क्वायर रूट आ जाएगा 361 का। 64 की बात करें तो 8 स्क्वायर रूट आता है, वो कोई मुश्किल नहीं होगा, यहाँ पे 64 लिखा, ये एक ही पेयर है, ये याद रखेंगे, ये एक ही पेयर है, तो 8 8s are 64 हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे ये हमारा ये वाला जो डिवीजन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं वापस दोबारा, इसमें 361 का स्क्वायर रूट राइट करते हैं 19 अपॉन 8। अब क्योंकि न्यूमिरेटर बड़ा है, ये न्यूमिरेटर बड़ा होने की वजह से हम इसको डिवाइड करेंगे, हम इस डिवाइड करना पड़ेगा, कंपाउंड फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा, 8 2s are 16, ये आ जाएगा 3 रिमाइंडर, तो आंसर इसका आ जाएगा फाइनल 2 होल नंबर 3 अपॉन 8, ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।